हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। सोना मशीनरी आईपीओ लिमिटेड की कल लिस्टिंग गेन है। वेडनेसडे को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा, तो कल कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है? इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए तो काफी अच्छा है। इसकी प्रॉफिट प्रॉफिट रेवेन्यू एसेट नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस काफी अच्छे से ग्रो किए हैं। फाइनेंशियली ये ठीक दिख रही है। आरओई 44.49% है जो कि अच्छा है। आरओसी 46.61% है, ये भी अच्छा। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 36.39% है, ठीक है। डेप्ट है जो बहुत ही कम है। पीई मान 18.8 है, ये भी अच्छा है। फाइनेंशियली ये कंपनी ठीक दिख रही है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो मैन्युफैक्चरर कंपनी है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मशीनरी होते हैं सारे मशीनरी को ये मैन्युफैक्चर करती है। जैसे ग्रेन फ्री क्लीनर मशीन, रोएट्री ड्रम क्लीनर, फिब्रो क्लासी फायर्स, स्टोन सेपरेटर मशीन, पैडी डी हस्कर, हस्क एस्पिरेटर, राइस थिक एंड थिन ग्रेडर, राइस व्हाइटनर, सिल्की पॉलिशर, मल्टी ग्रेडर, लेंथ ग्रेडर, बेल्ट कन्वेयर, बकेट इलेवेटर इत्यादि। ये सारे जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीन होते हैं सारे मशीन को ये मैन्युफैक्चर करती है। और भी अपने पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं। इसकी बिजनेस मॉडल काफी अच्छा दिख रही है। मैन्युफैक्चरर कंपनी है, मैन्युफैक्चरर कंपनी अच्छा प्रॉफिट देती है, लिस्टिंग गेन भी काफी अच्छा देती है। इसकी जीएमपी की बात करें तो जीएमपी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रही है। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 25 रुपए पर हुई थी जो की 17.48% के साथ इसकी जीएमपी ओपन हुआ था। लगातार इसकी जीएमपी में ग्रोथ देखने के लिए मिला है। 115 तक पहुंच चुका जो कि 80.42% प्रीमियम तक ये पहुंच चुका था। और फिर धीरे धीरे इसकी जीएमपी में गिरावट भी देखने के लिए मिला और आज के तारीख में इसकी जीएमपी 60% है जो कि अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को 41.96% की बेनिफिट दे रही है। तो जीएमपी बढ़ा तेजी से एंड घट भी तेजी से रहा है। कल इसकी लिस्टिंग है एंड वे भी इसकी लिस्टिंग डे पर भी इसकी जीएमपी में गिरावट देखने के लिए मिलेगा। इसकी सब्सक्रिप्शन भी काफी अच्छा हुआ है। इम्प्लॉय कैटेगरी में रिटेल कैटेगरी में 235.6 गुना सब्सक्राइब हुआ। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में 554.42 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 129.72 गुना सब्सक्राइब हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन 273.50 गुना सब्सक्राइब हुआ। सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा गया। जीएमपी भी काफी अच्छा है, अभी भी ठीक ठाक ही जीएमपी है। आज की तारीख में इसकी जीएमपी 41.96% है। बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। लेकिन इधर आईपीओ की लिस्टिंग देखेंगे तो लगातार इधर आईपीओ या तो निगेटिव लिस्ट हो रहे हैं या फिर 2-4-5% प्रीमियम के साथ लिस्ट हो रहे हैं। लेकिन इसमें जीएमपी भी काफी अच्छा दिख रही है। मुका प्रोटीन्स में काफी ज्यादा जीएमपी की गिरावट देखने के लिए मिला था। मे भी कल इसकी जीएमपी की अगर गिरावट देखने के लिए मिलती है तो 20 रुपये अगेन, जैसे आज 20 रुपये यहाँ पर गिरा, 100 के बाद में 80 आया, 20 रुपया गिरा, फिर 60 आया एंड फिर 20 रुपये इसके जीएमपी में गिरावट देखने के लिए मिला। कल अगेन फिर से इसके जीएमपी में 20 रुपये 25 रुपये की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो इसकी लिस्टिंग का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं 22% प्रीमियम से लेकर के 52% प्रीमियम के बीच में इसकी लिस्टिंग हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा जीएमपी की गिरावट नहीं होना चाहिए। 22% प्रीमियम के साथ इस आईपीओ को मिनिमम लिस्टिंग होना चाहिए। इतना ज्यादा इसकी जीएमपी गिरना नहीं चाहिए। आज भी 20 रुपए की गिरावट देखने के लिए मिला है। अगर इसकी जीएमपी में गिरावट ना होती है तो 41.96% प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है। लेकिन अगेन कल 20 रुपए 22 रुपए गिर जाती है तो फिर से हमें जीएमपी में काफी ज्यादा इसकी जो लिस्टिंग होने का चांस है 22% प्रीमियम लोअर रेंज होना चाहिए। इससे ज्यादा इसकी जीएमपी में गिरावट नहीं होना चाहिए। अगर किसी वजह से गिरती भी है तो 22% के आसपास में इसकी लिस्टिंग लोअर रेंज होना चाहिए एंड इसमें 2-4-5% 10% प्रीमियम ऐड भी होती है तो 52% प्रीमियम के साथ अपर रेंज में इसकी लिस्टिंग होना चाहिए। हालांकि इसमें अच्छा लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए, लेकिन लगातार जिस तरीके से आईपीओ की अभी लिस्टिंग गेन अपने जीएमपी में काफी नीचे जाकर के लिस्ट हो रही है, जो अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेडिंग प्राइस है उससे भी काफी ज्यादा नीचे देखने के लिए मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो जीएमपी है 20 रुपए से ज्यादा और जीएमपी में गिरावट देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आईपीओ रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।